हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ बैचलर स्टूडेंट के लिए ज्वारी की रोटी सबसे आसान तरीके से बनाएं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है ज्वारी का आटा, इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। याद रखिए, हमें एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मालिश कर लेंगे। जब तक हमारा सॉफ्ट डो तैयार ना हो तब तक हम इसको मालिश करते रहेंगे। वो क्या होता है ना गाइस, कि जितनी हम ज़्यादा मालिश करेंगे उतनी हमारी रोटी फूलेगी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। ज़्यादातर हमें ज्वारी की रोटी का ही सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होता है गाइस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेड़ा बना लिया है। अब हम इसको गोल बनाएंगे पेड़ा, और हम इसको सूखे आटे की हेल्प से हाथों से फैलाते हुए गोल रोटी बना लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमें ऊपर से थपथपाना है। नीचे आटे को भी हमने फैला दिया है। अब हम रोटी को ऐसे ही थपथपाते हुए गोल आकार में बना लेंगे। याद रखिए गाइस, हमें एक ही हाथ से थोड़ी बड़ी होने तक फैला लेंगे, बाद में हम दोनों हाथों से एक साथ थपथपाएंगे ताकि हमें रोटी की साइज़ किधर से मोटी और किधर से पतली हो चुकी है वो समझ में आ जाए। हम लास्ट के इसमें दोनों हाथों से अपने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर रोटी को थपथपा लेंगे। अब देखिए, हमारी रोटी गोल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर रोटी को डाल देंगे। एक मिनट के लिए हम रुक जाएंगे और फिर हम इस पर पानी लगा देंगे ताकि हमारी रोटी फूलने में बहुत जल्द ज़्यादा टाइम ना ले और हमारी रोटी अच्छे से फूल कर रेडी हो जाए। जब हमारी रोटी ऐसे लेवल पर आ जाए तो हम इसको साइड से सेक लेंगे और फिर पलटा देंगे। जब हमारी रोटी अच्छे से फूल जाए तो हमें साइड जो है किनार उसकी जो कच्ची है दिखने में, उसको भी हमें साइड कर सेक लेना है अच्छे से ताकि हमें खाते वक्त कोई कच्चापन फील ना हो। इसलिए हमें साइड कर के पूरे किनार को सेक लेना है। देखिए गाइस, हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी है, जिसको हम टिफ़िन में भी लेकर जा सकते हैं। तो हमारी रोटी इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेगी। देखिए, हमारी रोटी अंदर तक भी अच्छे से फूल चुकी है। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना खूब ख्याल रखें। बाय।